दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस जर्नी एंड ब्यूटी केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में दोस्त हम आपके लिए जो होममेड रेमेडीज ले आए आपके बालों के लिए है दोस्त, आपके रूखे सूखे बेजान बालों को एकदम जान फूकने के लिए एक जादू सर एक आपके लिए कह सकते बहुत ही वर्ल्ड बेस्ट हेयर मास्क ले आए हैं दोस्त। इसको आप लगाएंगे ना और उसका रिजल्ट जब देखेंगे तो कहेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट है, ऐसा हेयर मास्क मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्त, और यकीन मानिए दोस्त कि प्लीज़ आप इसे ज़रूर लगाएं। यहाँ पे मैंने 2 केला ले लिया है क्योंकि मेरे लंबे बाल हैं तो मेरे 2 केला पूरा प्रॉपर लग जाता है। अगर आपका छोटे बाल है तो सिर्फ 1 केले ही लें। तो इसे अच्छे से हम छील लेते हैं और अपने जार में इसको हम डाल देते हैं। आपके पास अगर मिक्सी नहीं है तो आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं, पर इससे बेहतर होगा कि आप कोई जालीदार कपड़ा हो तो उसमें डाल के करें ताकि इसके अच्छे से पल्प बन सके। हमें प्योरली इसका पल्प ही बनाना है, तो मेरे पास मिक्सी है इसलिए मैं यहाँ पे मिक्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप किसी भी तरह इसका पल्प बना सकते हैं, बस ध्यान रखें कि इसमें जो वो थक्के वाले होते हैं वो ना रह जाए, एकदम क्रीम जैसा हो जाए। फिर उसके बाद हमें इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन इससे पहले दोस्त मैं आपको बता दूँ कि प्लीज़ आप इस हेयर मास्क को एक बार ट्राई ज़रूर करें। मेरी रिक्वेस्ट है, समझिए आपसे, कि आप एक बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा दोस्त कि ये काम करेगा कि नहीं। आप ऐसे ही सोचते रह जाएंगे काम करेगा भी कि नहीं। तो नहीं दोस्त, आप प्लीज़ इसको अप्लाई करिए और देखिए। और यहाँ पे बस हमें 2 अंडे के चाहिए। इतना इजी है इसको बनाना दोस्त, और इतना बेस्ट इसका रिज़ल्ट होता है ना कि बस देखते ही नहीं बनता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने जो जार में मैंने 2 केले ऐड कर दिए थे उसके बाद अब इसमें हम 2 अंडे का यूज़ करेंगे दोस्त, और इसके अच्छे से ध्यान से दोस्तों आराम से ही तोड़े ताकि ये गिर ना जाए। और पूरा का पूरा आपको इसमें एग का इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आपको पीला वाला पार्ट्स निकाल दें, सिर्फ वाइट एग करें। ये वही वाली बात हो जाती है दोस्त की, इस तरह के नौटंकी मैं बहुत देखती हूँ वीडियोस पे कि आप इसका होल एग ना इस्तेमाल करें, येलो पार्ट्स निकाल दें। तो आप इस तरह भी इसको कॉमन सेंस से समझ सकते हैं दोस्त की। ये तो वही वाली बात हो गई कि केले के छिलके खा लें और केले जो मेन पार्ट है वो फेंक दें। तो दोस्त आप इसका पूरा इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको बस करना क्या है, बस मिक्सी में 1-2 मिनट के लिए ग्राइंड करना है। आपको बिल्कुल भी दोस्त इसमें पानी नहीं ऐड करना है, कोई भी विटामिन ई की कैप्सूल नहीं ऐड करना है, और आपको इसमें एलोवेरा जेल भी नहीं इस्तेमाल करना है दोस्त। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कारीगर होता है, इसमें और भी चीज़ें ऐड करके बेकार नहीं करना है इसको, बस सिंपली आप इसको बनाइए। बनाने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं दोस्त, और उसके बाद अपने बालों में कब लगाएं पता है ना आपको, अपने बाल को धुल लें अच्छे से, बाल जब सूख जाए तो आप सेक्शन वाइज करके एकदम क्रीम की तरह ये लगता है दोस्त, बिल्कुल टपकता भी नहीं है। तो आप इसको लगा के 2 घंटे रख सकते हैं। प्लास्टिक से अपने सर को कवर कर लें, और जो किनारे किनारे हैं आप उसे दुपट्टे या किसी टावल से लपेट सकते हैं। वैसे भी इसमें बहुत ज़्यादा पानी टपकता नहीं है दोस्त, क्योंकि पानी तो है ही नहीं, ये तो पूरा का पूरा क्रीम है। और इसका रिज़ल्ट देखिए अमेजिंग दोस्त। आप इसको वॉश करिए, और आपको पता है कि आपको वॉश कैसे करना है, नॉर्मल वाटर से वॉश करना है आपको दोस्त। और दोस्त धोने के बाद आपके बाल जब सूख जाए तो अब आप इसमें तेल की चम्पी करेंगे, और उसके 3 घंटे बाद आप शैम्पू से वॉश करेंगे, और फिर रिजल्ट ओ माय, जी हाँ बिल्कुल आपके मुंह से यही निकलेगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।